जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो मेरी HCS की जो एडमिट कार्ड की है मैंने अभी डाली है थोड़ी देर पहले, ठीक है। जिस किसी का भी एग्ज़ाम है तो प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए। और मैंने उसमें बोला था कि GK के मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आता हूँ जो कि मिक्सअप हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री से भी है, कुछ साइंस से भी है, कुछ ऐसे मिक्सअप क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं है अभी। तो ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुआ हो एग्ज़ाम, चाहे वो कहीं गुजरात में हुआ, ठीक है, मतलब जो एग्ज़ाम हुए गए हुए ना उनमें से ही ये निकाले गए हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज करते हैं, पहले सबसे पहले हम जो आप क्वेश्चन को देख पा रहे हो, ठीक है, इसमें लिखा है कि हु रोट मृच अकतम। मृच कटिकम का मतलब होता है कि एक बुक का नाम है मृच कटिकम, ये बुक किसने लिखी है गाइज। का आंसर है शूद्रक। और इसके साथ साथ अगर आपको ये बताया जाए कि ऑप्शन में पूछा जाए कि कोई और बुक पूछ ली जाए तो, ठीक है, चलिए इसके सभी और ऑप्शंस को देखते हैं। जो विशाखा दत्त है, जो इन्होंने दो बुक्स लिखी हैं मेनली जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी इनकी, सबसे पहली है इनकी मुद्रा राक्षसा और दूसरी है इनकी देवी चंद्रम गुप्तम। गाइज इनकी दो बुक हैं जो काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। शूद्रक का हमें पता ही है, मृच्छकटिकम इन्होंने लिखी थी, बाणभट्ट है उन्होंने हरिश्चित्र नामक से एक बुक लिखी थी जो राजा हर्षवर्धन के बारे में जो बता रही है, ठीक है, जो डिटेल देती है। और जो भास नाम से है वो किसने की है, चारू दत्ता जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज। मलिक काफूर, गाइज मलिक काफूर जो एक रणबीर की मूवी आई थी ना, एक्चुअली मुझे अभी नाम तो नहीं आ रहा उस मूवी का ध्यान, अलाउद्दीन खिलजी था उसमें, वो ने रोल प्ले किया था मलिक काफूर, ये उसी उसी का जो सेनापति है उसी को बोलते हैं मलिक काफूर, ठीक है। तो मलिक काफूर किसके सेनापति थे, ये थे अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड सिकंदर भी बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि वो पूरे दुनिया पर राज करना चाहता था, ठीक है ना, इसीलिए उसको सेकंड सिकंदर भी बोला जाता है। जो आप मेन बात करते हैं हम यहाँ पे मलिक काफूर की, मलिक काफूर को एक दूसरा नाम भी दिया जाता था, हजार दिनारी, ठीक है, हजार दिनारी नाम भी मलिक काफूर को दिया जाता था। हजार दिनारी नाम अगर आपसे पूछा जाए क्यों दिया जाता था, क्योंकि उसको 1,000 दिनार देकर खरीदा गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, ठीक है। और इनने क्या किया था मलिक काफूर ने, कोहिनूर नामक का हीरा था वो अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट दिया था, ठीक है। और गुलाव जो कोहिनूर हीरा है वो इसने जो प्रताप रुद्र देव हैं उन जो जो राजा थे उनसे लिया था, जब ये साउथ की लड़ाई में जाते थे, ठीक है, तब वहाँ पे इन्होंने उनसे लिया था और इन्होंने उसको दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हो बिल्ता इबादत खाना एट द फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनाया गाइस। देखिए अगर इबादत खाना किसी पूछते हैं तो दो तो इसने खुद ही बता रखे हैं कि पहला तो ये कि बता रहा है कि इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनवाया, इबादत खाना, इसको थोड़ा सा अलग करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम बोल सकते हैं हॉल ऑफ प्रेयर, ठीक है, 1575 में बना था और किसने बनाया था, ये अकबर ने बनाया था, ठीक है गाइस। और शाहजहाँ की बात करें, इन्होंने क्या बनवाई थी, एक इन्होंने मोती मस्जिद बनवाई थी, ठीक है, और औरंगजेब ने मोती मस्जिद, जहांगीर ने मोती मस्जिद, हो गया ना कंफ्यूज यहाँ पे। जो शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनवाई थी वो आगरा में बनवाई थी, जो औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाई थी वो दिल्ली में बनवाई थी, और जो जहांगीर ने मोती मस्जिद बनवाई थी वो लाहौर में बनवाई थी। और जहांगीर को पेंटर भी बोलते हैं क्या, चित्रकार वो भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, विच सिटी होस्टेड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल टू परफॉर्म योगा टीचर एंड क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योग। 2018 में जो इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, ठीक है, और ये वाला जो अभी सेलिब्रेट किया गया था लास्ट, ये फोर्थ था हमारा, ठीक है, 4 साल हो गए हम सेलिब्रेट करते हुए इसको। तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे गिनीज वर्ल्ड ऑफ जो रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था गाइस, वो हुआ था कोटा में। कोटा कहाँ पे है, चंबल रिवर के नज़दीक है, यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे, ठीक, गन और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हुआ था। हु रोट सरस्वती वंदना वरदे वीणा वादिनी वरदे। एक ऐसी जो सरस्वती जो वंदना जी किसने लिखी थी,
वर्दे, वीणावादी वर्दे, ये लिखी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको हम 8th क्लास में 7th क्लास में निराला जी की पढ़ते थे ना, जो हिंदी में वो थे। ठीक है, वट डज द आर स्टैंड फॉर द नेम ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? गाइस ये जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको स्किप कर देते हैं कई बार, हम इतना पता है हमें भीमराव अम्बेडकर, दैट्स इट। ठीक है, अगर बी से भीम, आर से राव, ठीक है, लेकिन नहीं, भीमराव इकट्ठा है और आर से है रामजी अम्बेडकर, इसको अच्छे से ऐसे याद रखेंगे। विच इंडियन स्टेट हैड इंडिया फर्स्ट मुस्लिम वुमेन? सबसे पहले भारत की किस राज्य की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला थी? वो कौन सा राज्य था? वो था आसाम था। गाइज आपके लिए एक होमवर्क लगा लो, ठीक है, आपको ये बताना है कि जो आसाम के स्टेट की जो फर्स्ट मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर थी, उनका आप कमेंट में नाम डालेंगे। ठीक है, इसमें देखिए, विच ऑफ दीज सब्सटेंस इज कंपोज्ड ओनली ऑफ टू एलिमेंट्स? कौन सा इनमें से ऐसा सब्सटेंस है, कौन सी इनमें से ऐसे नीचे जो सब्सटेंस ऑप्शन में दिए गए हैं, वो केवल दो एलिमेंट से बनी है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। गाइस इसका आंसर ऑब्वियस है, वाटर से बना है, ठीक है, H2O, इसका जो रासायनिक नाम बोलते हैं, केमिकल नेम, ठीक है, नभ स्पर्शम दीप्तम, ठीक है, नभ स्पर्शम दीप्तम। द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज टेकन फ्रॉम विच एंशंट वर्क? ठीक है, जो ये इंडियन, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, उसका जो मोटो है, ये कहाँ से लिया गया है? ये गाइस लिया गया है भागवत गीता से। विच इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी? जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जोड़, ह्यूमन जॉइंट, ठीक है, कौन सा होता है? वो नी का जोड़, घुटने का जोड़ होता है, वो सबसे लार्जेस्ट होता है। फीमर जो हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप, जो कान में होती है, ठीक है, फीमर की हड्डी को जांघ की हड्डी बोलते हैं, और ये भी नी से जुड़ी होती है। ठीक है, बीपी मंडल, हु चेयर द सेकंड? बीपी मंडल के बारे में बताना चाहूंगा गाइस आपको, बीपी मंडल वो है जिन्होंने ओबीसी पे अपनी, ओबीसी आरक्षण पे अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, और इनके बारे में सवाल ये पूछा गया कि हु चेयर द सेकंड बैकवर्ड कमीशन ऑल्सो द मंडल कमीशन सर्व एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच? कौन से स्टेट के इन्होंने चीफ मिनिस्टर रहे हैं बीपी मंडल जी? ठीक है, और ये आपको इतना ही बताना है खाली इसमें, और हमें बीपी मंडल को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने ओबीसी पे अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसका ऑप्शन होगा गाइस सी, बिहार के ये मिनिस्टर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और कल ही 30 दिन के लिए रहे थे। एट विच मोनूमेंट इन दिल्ली डिड द ब्रिटिश फोर्सेस अरेस्ट, ब्रिटिश फोर्सेस अरेस्ट बहादुर शाह जफर इन सितंबर 1857? कौन से ऐसे स्थान पर बहादुर शाह जफर को क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया था ब्रिटिश फोर्सेस ने दिल्ली में, उसका जगह कौन सा है, क्या क्या नाम उस जगह का? हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल केमिकल एलिमेंट्स? कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करती है? ठीक है, इसमें आ जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, इस 17वें जो पाई, जो हमारी आवर्त सारणी होती है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं उसमें, ये 17वें ग्रुप में, 17 ग्रुप में आती है। इन विच मंथ आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल, मघू, बिहू एंड लोहरी सेलिब्रेटेड? देखिए गाइस, इसमें पूछा गया कि जनवरी के अंदर ही ये जो आपके पोंगल, मघ, बिहू और जो लोहड़ी है वो सेलिब्रेट की जाती है। और जो पोंगल है, पोंगल तमिलनाडु में जो भगवान सूर्य देव जी हैं उनके लिए बनाया जाता है। बिहू सबसे फेमस है जो कि आसाम में बनाया जाता है। लोहड़ी का एज यूजल पहले पंजाब में होता था, लेकिन अब तो हर जगह ही है। ठीक है, इंडियन रेलवे हैज़ बिन रनिंग डेली स्पेशल ट्रेन्स इन मुंबई सिंस 2082 टू कलेक्ट व्हाट? भारतीय रेलवे ने क्या उठाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा गार्बेज। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय, इंडियन रेलवे ने उस ट्रेन का नाम बताइए जो गार्बेज को उठाने के लिए जून 2018 से जिसको चला रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? मक ट्रेन, उसको मक ट्रेन भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी विच ऑफ दीज प्लांट्स वॉज ब्रॉट अप ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ मिल्क ओशियन? ठीक है, हिंदू जो क्या बोलते हैं उसको, मिल्क ओशियन जो टिपिकल नाम है, जो समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, उसमें से जो मिल्क ओशियन, जो उसमें से जो प्लांट निकला था, उसका क्या नाम है? परिजात। ठीक है, परिजात। और गाइस परिजात की मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ कि ये मैथोलॉजी में माना गया है कि ये फूल कभी भी
मुरझाता नहीं है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेपर्ड इज यूज टू साइंटिफिक आइडेंटिफाई दैम इंडिविजुअली। गाइज ये पूछ रहे हैं कि जो लेपर्ड का जो पहचानने का सिंबल कैसे होता है, ठीक है, लेपर्ड जैगुआर कैसे पहचानते हो, ठीक है, जो लेपर्ड के जो स्किन के ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं ना, जैसे कि इसका आंसर है स्पॉट स्पॉट पैटर्न्स, जो लेपर्ड के जो स्किन पे जो स्पॉट होते हैं वो ना बीच से थोड़े से भरे होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं भरे होते हैं, थोड़े थोड़े भरे होते हैं, लेकिन जो जैगुआर है उसके अगर आप स्किन देखोगे, कभी फोटो भी देख लेना चाहिए गूगल पे, उसके स्किन पे देखोगे ना आप, आपको राउंड राउंड तो मिल जाएगा तो, लेकिन उसका स्पेस अंदर से खाली मिलेगा आपको। हु कंपेयर्ड गांधी जी डांडी मार्च टू द लेजेंडरी जर्नी ऑफ श्री राम टू लंका। किसने गांधी जी की डांडी मार्च यात्रा को भगवान श्री राम ने जैसे लंका पर चढ़ाई की थी उससे कंपेयर किया, ये पूछना चाह रहे हैं। मोतीलाल नेहरू जी इसका आंसर होगा, ठीक है, उन्होंने इसको ऐसे कंपेयर किया था। 241 किलोमीटर लंबी डांडी मार्च, ठीक है, यात्रा थी जो पैदल चल के हुई थी, कितने दिन चली थी, 24 दिन चली थी, इसके साथ साथ लोगों का हुजूम गांधी जी के साथ जुड़ता चला गया था, ठीक है। इन विच ऑफ दिस स्पोर्ट्स वुड यू नॉर्मली सी द रेफरी रनिंग ऑन द फील्ड। क्रिकेटर में क्या अंपायर भागते हैं, क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन से खेल में ऐसा होता है कि जो रेफरी है वो भागता है, ठीक है, क्रिकेटर में नहीं भागता, बैडमिंटन में भी नहीं होता ऐसा, टेनिस में भी नहीं होता, फुटबॉल में रेफरी भागता है साथ। म्यांमार डज नॉट शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद। म्यांमार अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा नहीं करता, ये गाइज वियतनाम के साथ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है गाइज, तो आप प्लीज़ मैप को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप खाली म्यांमार डालिए, ठीक है, गूगल में और गूगल मैप के अंदर, और फिर वो उसके साथ देखिए कौन कौन सी कंट्रीज के साथ वो अटैच हो रहा है, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे इसको हम याद रखेंगे वियतनाम। नॉइज़ पोल्यूशन इज क्रिएटेड इफ नॉइज इज एक्सेस। यदि शोर अधिक होता है तो शोर प्रदूषण पैदा होता है, तो हम इसको किस इकाई में नापते हैं, मतलब किस रेंज के अंदर इसको हम नापते हैं, तो ये गाइज ये होगा 80 से 99, इसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण का जो पैरामीटर है, इसमें डीबी में डेसिबल जो ध्वनि को मापने की इकाई होती है उसमें हम देखते हैं। ओके गाइज थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, ये थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो लाइक आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट लग रही है, तो प्लीज़ उसको लाइक किए बगैर मत जाना, ठीक है। अगर कोई भी आपको जैसे कोई भी रिक्वायरमेंट है, जैसे HCS का भी एग्जाम आ रहा है, ठीक है, तो सी सेट के बारे में अगर आपको पूछना है, या फिर कुछ स्पेसिफिकली पॉलिटिकल के पॉलिटिकल क्वेश्चन चाहिए, इकोनॉमिक्स के चाहिए, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे जो भी आपको कंटेंट वगैरह चाहिए तो बताइए, हम उसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आई विल मेक श्योर कि अभी जो एग्जाम आ रहा है डेली आपको एक वीडियो मिलती रहे, ठीक है, लेकिन आप कमेंट करके बताइए आपको कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए। ओके गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।